कोलकाता में 8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। भोपाल में एम्स के बाद हमीदिया अस्पताल के बाद अब ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हुई डॉक्टर की रेप के बाद हत्या और डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन पर हमले के विरोध में अब देश भर के डॉक्टर्स ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्वालियर में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। जीआरएमसी के करीब 350 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने आज से रूटीन सेवाएं बंद कर दी है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को आईएमए ने भी अपना समर्थन दिया है। आज से न्यू जयारोग्य अस्पताल के मुख्य द्वार पर डॉक्टर्स ने धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर काली पट्टी बांधकर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इन डॉक्टर्स की मांग है कि जब तक बंगाल की घटना पर न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे आज आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि किस चीज़ की हड़ताल है। ये एक देशव्यापी आंदोलन है चिकित्सीय छात्रों का। भारत में निर्भया कांड के बाद एक दूसरा निर्भया कांड हुआ है। कलकत्ता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज में एक ऑन ड्यूटी महिला चिकित्सक के साथ कुछ राक्षसों ने गैंग रेप किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी और ये एक जघन्य अपराध है। इससे पूरे देश के, पूरे प्रदेश के चिकित्सीय छात्र बड़े आहत हुए हैं, उनका दिल बड़ा दुखी है, उनके सबके दिलों में रोष व्याप्त है और हम सबकी बस एक ही मांग है कि हम लोगों को उचित न्याय मिलना चाहिए, उस महिला को उचित न्याय मिलना चाहिए, उस महिला के परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए। भारत की सरकार हमेशा एक स्लोगन देती है, दीवारों पे लिखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो श्रीमान जी मैं बताऊं कि उसके माता पिता ने बेटी को पढ़ा दिया था, डॉक्टर बना दिया था, लेकिन सरकार की कमी रही कि आप उस बेटी को बचा नहीं पाए। ठीक है, तो अगर स्वास्थ्य समाज में तीन चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा, और हम बेसिक चीज़ों में से एक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ हमारी महिला चिकित्सक के साथ हमारी बहन के साथ ऑन ड्यूटी ऐसी जघन्य घटना हो रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, देशव्यापी आंदोलन है और हम तब तक इसका विरोध करते रहेंगे जब तक कि उस महिला चिकित्सक को, उसके परिवार को उचित न्याय नहीं मिल जाता और सरकार ऐसा कोई एक्ट, कोई नियम नहीं बना देती जिससे डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपातकालीन स्थिति होती है, ये एक आपातकालीन हड़ताल है ना। देश में ऐसी आपातकालीन घटना आई है और हम तब तक स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि ये हमारी ग्वालियर की स्ट्राइक नहीं है, देशव्यापी हड़ताल है फोडरा की और सेंट्रलाइज जूडा की। जब तक उसको उचित न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। अभी हमने रूटीन सेवाएं बंद करी हैं और जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर। डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने फिलहाल हड़ताल से इमरजेंसी सेवाओं को बाहर रखा है। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और डॉक्टर्स के लिए कानून नहीं बनाया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।